एक बार की बात है, दूर के एक स्थान पर एक आदमी रहता था जिसमें भगवान में विश्वास था। एक रात एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। अचानक एक बड़ी आवाज उसे जगा दी। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका कमरा प्रकाश से भरा हुआ था। तब भगवान उसके सामने आए, उसे अपने घर के बाहर एक बड़े पत्थर को इसी तरह से धकेलने के लिए कहा कि वह जितना हो सके मेहनत करे। अगले सुबह जब आदमी उठा तो उसने याद किया जो रात में उसने देखा था। उसने बाहर जाकर उसे जितना हो सके धकेला, लेकिन उसे इधर उधर नहीं हिला सका। फिर भी आदमी निरंतर मेहनत करने का निर्णय लिया और उसने उसे हर दिन जितना हो सके धकेलने का निर्णय लिया। कई सालों तक उसने सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम किया। उसके कंधे ठंडे भारी सतह के बड़े पत्थर के सामने सीधे खड़े होकर अपनी सारी ताकत से धकेलते रहे। हर रात आदमी अपने गांव वापस लौटता, थके हुए और उबाऊ महसूस करते कि उसका पूरा दिन बेकार में बीत गया है, क्योंकि वह पत्थर एक इंच भी हिला नहीं पाया। कोई प्रगति नहीं देखते हुए आदमी निराश होने लगा और तभी उसके सपने में शैतान आया और कहा, तुमने इतनी देर से उस पत्थर को धकेला है लेकिन उसे हिलाया नहीं है, इस सब पीड़ा से क्यों गुजारिश करें? उस पत्थर को हिलाना असंभव है, इसलिए इसे इस स्थिति में छोड़ दो और आसान जीवन जियो। शैतान ने यह कहते हुए गायब हो गया। आदमी निराश था, लेकिन फिर भी उसने निर्णय लिया कि वह भगवान से प्रार्थना करेगा और अपने परेशान विचारों के बारे में बताएगा। उसने प्रार्थना की, मैंने आपकी सेवा में लंबे समय तक कठिन परिश्रम किया है। आपके द्वारा मेरे से कहा गया कि मैं धकेलूं, लेकिन मैंने एक इंच भी हिलाया नहीं है। मैं क्या गलती कर रहा हूं? क्यों मेरी हार हो रही है? उसी समय भगवान आए और कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे सेवा करने को कहा और तुमने इसे स्वीकार किया। मैंने तुमसे उस पत्थर को धकेलने को कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मुझसे उसे हिलाने की उम्मीद है। तुम्हारा काम धकेलना था और इन सभी वर्षों में तुमने यह काम किया है। तुमने पत्थर को हिलाया नहीं है, लेकिन तुम्हारा यह निर्देश था कि वफादार रहो और धकेलो और मेरे ज्ञान में विश्वास और भरोसा जताओ। तुमने यह किया है। मोरल: जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें सिर्फ भगवान में विश्वास करना चाहिए और धकेलना चाहिए। हर हाल में पर्वतों को हिलाने वाले विश्वास को अभ्यास करें, लेकिन जान लें कि फिर भी पर्वतों को हिलाने वाला तो भगवान ही है।